चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर के दौरे पर होंगे। सुबह करीब 8 बजे जयपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। आनंद विहार में प्रबुद्ध जन से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, आनंद विहार जाएंगे और 9:30 बजे सांगानेर हैंड प्रिंटिंग ट्रेडर से भी संवाद करने पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री। उसके बाद सुबह 11:30 बजे इमरजेंसी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें दोपहर 1 बजे लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और दोपहर 2 बजे खंडेलवाल बालिका विद्यालय में उनकी टिफिन बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे चेंबर ऑफ कॉमर्स में व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करेंगे और 5:30 बजे सिग्नेचर टावर में पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों और पूर्व सैनिकों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर के दौरे पर हैं और 8 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 8 बजे करीब वो जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े सम्मेलनों में वो भाग लेंगे और उस पर अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हमारे सहयोगी अरविंद पालावत हमारे साथ में। अरविंद, क्या है शेड्यूल आज केंद्रीय मंत्री का? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है आज एक बार फिर से यहाँ पर दौरा करेंगे, क्योंकि जयपुर शहर लोकसभा और जयपुर ग्रामीण लोकसभा दोनों का जिम्मा जो है वो पीयूष गोयल के पास है। केंद्र सरकार की 9 साल की जो जितनी भी नीतियां थी, जितने भी उनसे काम किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री एक बार फिर से जयपुर आएंगे। ये पिछले 1 महीने में उनका जयपुर में 3रा दौरा है। वहीं यदि राजस्थान की बात करें तो ये उनका 4था दौरा इसी 1 महीने में यहाँ पर हो चुका है। सुबह करीब 8 बजे वे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहाँ से आनंद विहार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे सुबह करीब 8:30 बजे, जिसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद में सांगानेर में हैंड प्रिंटिंग ट्रेडर्स और पेपर उत्पादक जो है उनके साथ में जो संवाद कार्यक्रम है वो सुबह 9:30 बजे होगा और उसके बाद में 11:30 बजे एक बड़ा कार्यक्रम है जो मॉडर्न स्कूल शिप्रापथ पर रखा गया है, जिसमें इमरजेंसी दिवस है उसको लेकर के वहां पर समारोह होगा और उस समारोह को वो संबोधित करेंगे। 25 जून यानी हर साल 25 जून को इमरजेंसी दिवस यानी आपातकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपातकाल के विरोध में मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उसमें हर जगह पर एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो करती है और इसी कड़ी में हर लोकसभा क्षेत्र में आज एक कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे में पीयूष गोयल इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद में दोपहर करीब 1 बजे लघु उद्योग भारती के जो प्रतिनिधि है उनके साथ संवाद का कार्यक्रम है, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें क्या बेहतरी की जा सकती है, साथ ही केंद्र की ओर से जो तमाम योजनाएं उनका भी वहां पर जिक्र किया जाएगा। साथ ही दोपहर 2 बजे टिफिन बैठक होगी। आजकल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो टिफिन बैठक है वो जगह जगह आयोजित की जा रही है और उसके अंदर तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपने घर से भोजन लेकर के आते हैं और उसके बाद में सभी जो लोग हैं वो एक साथ खाना खाते हैं। तो ये दोपहर 2 बजे टिफिन बैठक का कार्यक्रम होगा और दोपहर 3:30 बजे चैंबर ऑफ कॉमर्स में व्यापारियों का एक बड़ा जो सम्मेलन है वो यहाँ पर होगा। उसके अंदर व्यापारियों से वे जानेंगे कि आखिर किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के क्या कुछ आने वाले समय बिल्कुल में यानी कि कह सकते हैं कि बिल्कुल बीजेपी भी चुनावी मोड में है और किसी न किसी तरीके से राजस्थान में जो है अपनी एक बढ़त बनाने के लिए और अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब राजस्थान आने लगे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद।